नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज दी पब्लिक चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राकेश टिकैत किसान नेता बीक्यू नेता के आंसुओं के बाद लगातार गाजी बॉर्डर पर खाप पंचायतों का जमावड़ा जारी है। इसी बीच आम जनता ने एक बड़ा सवाल किया है और सवाल ये है कि क्या किसान आंदोलन जाट आंदोलन बन चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी अभी महापंचायती हुई है 15 जिलों में, हरियाणा के 15 जिलों से लेकर यूपी के अंदर भी महापंचायतें हुई हैं। ये सब पंचायतें सरव खाप पंचायतें हैं। यहीं पे सरव खाप यानी जाट पंचायतों ने ऐलान किया है कि 10,000 लोगों का बैकअप रखा जाएगा, एक कॉल पर बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। साथ साथ में आपको बता दें कि खापों की अलग अलग बैठकें हो रही हैं। हरियाणा की खापे रोज दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर जाकर प्रदर्शन करेगी और बड़ा फैसला भी हुआ है और घर घर पर पार्टी के झंडे लगाने पर बैन भी किया गया है। और साथ में आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर जो तलवारें चली थी, जी हाँ, सिंगू बॉर्डर पर सुनने में आए हैं कि कुछ बीजेपी के लोग पहुंच गए थे, जी हाँ, जिन्हें नेशनल मीडिया ने स्थानीय लोगों का करार दिया था, लेकिन बाद में पता खुलासा हुआ कि ये बीजेपी के लोग थे, क्योंकि वहां पार्षद की फोटो वायरल होने के बाद ये सच सामने आया कि यहाँ पे जो है बीजेपी के द्वारा ये षड्यंत्र जो है रचा गया है। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, लेकिन आपको बता दें कि जिसके बाद सिंगू बॉर्डर पर पैदल जाने वाले पर रोक लगा दी गई है। रास्ता बंद होने से आम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। जी हाँ, जो सिंगू बॉर्डर छावनी में तब्दील हो चुका है। सिंगू बॉर्डर को पूरी तरह से जो है सेना कंट्रोल में ले चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली से हजारों लोग दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से कुंडली की तरफ रोजाना नौकरी करने जाते हैं। भारत सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरुद्ध पिछले 2 महीनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग और सुरक्षा आज सुबह सुरक्षा के नाम पर बैरिकेड को 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ाने के कारण यहाँ पहुँचे सैकड़ों लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। लोगों के मुताबिक वो 400 रुपये में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। काफ़ी दूरों से बसों से किराया लगाकर जब वो पहुंचे तो पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। नौकरी नहीं करेंगे तो उनके बच्चे क्या खाएंगे। लोगों में पुलिस को लेकर काफ़ी क्रोध भी है कि जब रास्ता बंद करना है तो फिर इधर की ओर आने क्यों दिया जा रहा है। यानी पुलिस प्रशासन से भी आम जनता परेशान हो चुकी है। वहीं पर आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को धमकी दी है कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली 40 लाख ट्रैक्टर कूच करेंगे या दिल्ली 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ 67वें दिन से आज जो है प्रदर्शन जारी है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान धरने पर बैठे हैं। किसान इन तीनों कानूनों को रद्द किए की मांग पर अड़े हैं, तो सरकार भी इन कानूनों को वापस लेने के पक्ष में नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी इसको लेकर सिस्ती स्पष्ट कर चुके हैं। हालांकि सरकार किसानों को कुछ मांगों को मानते हुए कानून में संशोधन की बात कह रही है। किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक दल द्वारा सियासी रोटियां भी खूब सेकी जा रही है, जिसके बाद यहाँ पे आप देखा जा सकता है कि पिछले 3 दिनों के अंदर जो पूरी तरह से खाप लोगों का जमावड़ा बॉर्डर पर देखा जा सकता है, जिसके बाद आम जनता के द्वारा सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है जाट आंदोलन बन चुका है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा दी पब्लिक के साथ, बने रहिएगा।